नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप सभी कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों आज हम फिर आप सबके सामने वीकली वीडियो शेयर मार्केट का लेके आए हैं कि आने वाला सप्ताह जो है 21 नवंबर से 25 नवंबर शेयर मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है, उसके लिए हम बात करेंगे। इसके पहले दोस्तों जो मैंने आप सभी को वीडियो दिया था 14 नवंबर से 18 नवंबर शेयर मार्केट का ट्रेंड मैंने ओवरऑल का बुलिश दिया हुआ है। आपने देखा जो है शेयर मार्केट का ट्रेंड जो है ये लास्ट वीक जो अभी गया, ना मार्केट में जो है कोई बड़ी तेजी रही ना मंदी रही, मार्केट अभी भी 18,300 के ऊपर बना हुआ है। तो दोस्तों मैं कोई डेली का वीडियो नहीं दे रहा हूँ, आज तेजी आज मंदी, मैं आप सभी को ट्रेंड दे रहा हूँ और ट्रेंड जो है बुलिश का बना हुआ है। बैंक निफ्टी जो है 200-300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी जो है थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है, लेकिन ट्रेंड क्या है, वो तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से लगातार हम वीकली वीडियो दे रहे हैं और भगवान की कृपा से सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो दोस्तों जो है वीकली वीडियो में आप सभी को गोल्ड सिल्वर का भी व्यू मैंने दिया था, जो कि पिछला जो है 3 दिन सोमवार मंगलवार बुधवार शेयर मार्केट में इंडियन रुपीज में गोल्ड सिल्वर में तेजी रही और गुरुवार शुक्रवार को मार्केट जो है गोल्ड सिल्वर कुछ बेयरिश रहा। डॉलर में गोल्ड सिल्वर जो है नीचे रहा, लेकिन इंडियन रुपीज में अपने कमोडिटी मार्केट में ओवरऑल तेजी रही। यदि आप जो है गोल्ड सिल्वर को बिजनेस की तरह ट्रेड किए होंगे तो आपको अच्छा लाभ हुआ होगा, यदि आप पूरा सप्ताह रुके होंगे तो आपको शायद लाभ नहीं हुआ होगा। तो ये रहा दोस्तों लास्ट वीक का जो अभी ये जा रहा है। आने वाला वीक जो है शेयर मार्केट का ट्रेंड अब क्या रहेगा, उसके लिए हम बात करें दोस्तों। तो सूर्यदेव दोस्तों वृश्चिक राशि में रहेंगे, अनुराधा नक्षत्र में जो है रहेंगे, चंद्रमा जो है सोमवार को कन्या राशि में, सोमवार से लेकर फ्राइडे तक बात करें तो चंद्रमा कन्या तुला और वृश्चिक तक जाएंगे। सोमवार को कन्या राशि में और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। मंगल देव जो है वो वृषभ राशि में है, रेट्रो हैं, मृगशिरा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में बने रहेंगे। बुध देव जो है वो वृश्चिक राशि में है, बुध देव जो है वो अनुराधा नक्षत्र में है, 24 नवंबर को वो अपने नक्षत्र ज्येष्ठा में प्रवेश कर जाएंगे। 13 आवर्स 40 मिनट पर गुरुदेव जो है वो अपनी ही राशि मीन राशि में है और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। शुक्रदेव जो है वो भी वृश्चिक राशि में है और अनुराधा नक्षत्र में है। फ्राइडे को 25 नवंबर को 2 आवर्स 56 मिनट पे वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, यानी फ्राइडे को जो है मार्केट के टाइम में शुक्रदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। शनि देव जो है वो मकर राशि में है और वो धनिष्ठा नक्षत्र में है। राहु जो है वो मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में है। केतु जो है वो वृश्चिक राशि में है और केतु जो है वो स्वाति नक्षत्र में है। हर्षल जो है वो मेष राशि में है और भरणी नक्षत्र में रहेंगे, भरणी नक्षत्र में बने हुए हैं। नेपच्यून जो है वो कुंभ राशि में है
और गुरु के नक्षत्र में है, यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। प्लूटो जो है वो मकर राशि में है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। तो ये रहा दोस्तों 9 प्लानेट और 3 आउटर प्लानेट, 12 प्लानेट की जो है ये वीकली पोजीशन, क्या चेंज हो रहा है। आने वाला समय जो है दोस्तों, जो है अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश का जो है वो बना हुआ है, और ये जो वीक जो है आ रहा है 21 नवंबर टू 25 नवंबर, ओवरऑल ट्रेंड जो है शेयर मार्केट का वो बुलिश जो है वो रहेगा। दोस्तों शेयर मार्केट में बेयरिश ट्रेंड कब बनेगा आने वाले समय में, जैसा कि भगवान की कृपा होगी तो हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसा अभी लगातार आप सभी को तेजी का ट्रेंड जो है दे रहा हूँ, वैसा ही आने वाले समय में जब भी ट्रेंड जो है वो मंदी का बनेगा तो वो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों जो है ये शेयर मार्केट है, यदि आप बिजनेस की तरह काम करेंगे तो आपको लाभ होगा, यदि आप डेली सट्टा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। शेयर मार्केट को करना है दोस्तों तो या तो आप टेक्निकल को सीखिए या आप फाइनेंशियल ज्योतिष को सीखिए। टेक्निकल दोस्तों बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं भी 2-4 महीने का कोर्स हो तो आप वहाँ पे टेक्निकल सीखिए। फाइनेंशियल ज्योतिष सीखना है तो 2-4 महीने का कहीं कोर्स हो तब आप फाइनेंशियल ज्योतिष सीखिए, लेकिन फाइनेंशियल ज्योतिष सीखने के लिए पहले आपको बेसिक ज्योतिष, आप 3-4 साल से बेसिक ज्योतिष कर रहे हैं तब आप फाइनेंशियल ज्योतिष 3-4 महीने में सीख सकते हैं, फिर आपको सालों प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पकड़ में आएगा। कोई भी सिस्टम जो है आप सोचेंगे कि हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन का कोर्स करके कोई भी सिस्टम जो है हम समझ लें, तो वो सिस्टम को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। और यदि आप टाइम देंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। 1 दिन का कोई भी टेक्निकल आपको कोई सिखा दे, 2 दिन का सिखा दे और आप उसको ट्रेड करने लगें तो दोस्तों आप जो है अपना तो नुकसान करेंगे ही और दूसरों का भी नुकसान कराएंगे। तो दोस्तों मेरा काम है जो है आप सभी को जो है अच्छी जानकारी दूं। आज लोग जो है कुछ हैं जो कि टेक्निकल वाले बोलेंगे कि ज्योतिष नहीं सही है, तो ज्योतिष दोस्तों कितना सही है, जो भी लोग कहते हैं कि ज्योतिष सही है या नहीं सही है, जो अच्छे पढ़े लिखे जानकार वेल क्वालिफाइड सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल वाले रहेंगे वो आपको ज़रूर कहेंगे कि नहीं ज्योतिष सही है। और जैसा कि मैं आपको कहता हूं दोस्तों कि ज्योतिष इतना सही है कि आप सालों का भविष्यवाणी पहले से कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है बहुत सारे फाइनेंशियल ज्योतिषी हैं, अच्छे अच्छे हैं, आज सालों से मैं भी वीडियो दे रहा हूँ, सक्सेस रेशियो आप निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है कि मैं कोई भी टेक्निकल टूल का इस्तेमाल मैं नहीं करता हूँ, आप सभी को पता है। तो सक्सेस रेशियो कैसे है वो आप सब जान सकते हैं। जो भी लोग दोस्तों जो है टेक्निकल कहीं इधर उधर से सीखे हैं और यूट्यूब पे आए हैं और अपने को कहेंगे कि दुनिया का मैं सबसे बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो ऐसे लोगों से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोग जो है आपको जो है 1-2 दिन का ट्रेनिंग देके आप जो है अपना तो नुकसान करेंगे, ट्रेनिंग का पैसा भी चला जाएगा। तो जो भी दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल हो उनसे आप सीखिए। एक पॉइंट को दोस्तों ये समझ के रखिए, कोई भी कहे कि मेरे से बड़ा जानकार कोई नहीं है तो आप ये समझ लीजिएगा कि उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ये आप जीवन में गांठ बांध लीजिएगा। इतने समय से ज्योतिष जो है दोस्तों कर रहा हूँ, आज 17-18 साल से,
मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ। मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ कि मैं अभी भी ज्योतिष को सीख रहा हूँ, अभी भी मुझे फाइनेंशियल ज्योतिष 5-10% ही आता है। यदि मैं फाइनेंशियल ज्योतिष का मेरा सक्सेस रेशियो 75% प्लस है और फाइनेंशियल ज्योतिष 5-10% आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ज्योतिष हमको 25-30% आ जाए तो मेरा सक्सेस रेशियो 90-95% प्लस हो जाएगा, जो कि आज हम 17-18 साल से लगातार ज्योतिष कर रहे हैं। तो दोस्तों फिर भी हम अभी सीख रहे हैं, मैं कोई भी बहुत बड़ा ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन आपको दोस्तों ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि कोई भी आपको कहे कि मेरे जैसा कोई नहीं है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उनके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। बहुत सारे लोग जो है आपको ये भी वीडियो में अपने कहते हैं कि पूरे यूट्यूब चैनल पे जो मैंने कहा था, पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं कहा था। तो आप दोस्तों ये समझिए कि जो ये कह रहे हैं कि मैं जो कहा पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं कहा, तो इसका मतलब कि वो हर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। माने आप ये सोचिए कि जो भी लोग कहें कि जो ये मैं कहा था ऐसा कोई भी नहीं कहा था, तो कोई भी नहीं कहा था तो मतलब आप दिन भर जो है दूसरों का चैनल ढूंढ रहे हैं कि कोई नहीं कहा था। तो ऐसे दोस्तों कुछ लोग हैं। ये दोस्तों मैंने बात इसलिए कहा कि अभी थोड़ा दिन पहले मैं एक जन का वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा जो है कि मैंने कहा था तेजी होगी, इस दिन मैंने कहा था तेजी होगी, पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं कहा था। तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मैं ये एक हफ्ता पहले ही बताया था कि मार्केट में तेजी बनी रहेगी। आप एक दिन पहले बताए होंगे, मैं एक हफ्ता पहले ही बताया था मार्केट में तेजी बनी रहेगी, और हम अपने ब्रॉडकास्ट के मेंबर को जो है महीनों पहले बता चुके हैं कि कब तेजी रहेगी, कब मंदी आएगी। दोस्तों प्रिडिक्शन सही गलत सबका होता है, मेरा भी प्रिडिक्शन खूब गलत होता है और गलत होना भी चाहिए। गलत होगा दोस्तों तभी सीखने को जो है मिलेगा। लेकिन ये कोई कहे कि मैंने कहा था और कोई भी नहीं कहा था, ये बात बिल्कुल भी गलत है, ये ईमानदारी की बात नहीं है। जिनके ऊपर राहु ऑपरेट होगा, राहु यानी कि धोखाधड़ी और फ्रॉड, जिनके ऊपर राहु का ऑपरेशन ज़्यादा होगा, तो ऐसे लोग जो है दुनिया का सबसे बड़ा जानकार, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, ऐसे दोस्तों लोग आपको कहेंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव बना हुआ है, और ऐसे व्यक्तियों से जो है हमेशा दूर रहिए दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये जो जानकारी थी मैंने आपको बताया। दूसरा दोस्तों जो है मेरी जो सर्विस रहती है वो 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को पूरा होता है। मैं बीच में जो है कोई भी सर्विस जो है लोगों को नहीं देता हूँ, मैं प्योर ज्योतिष से ही जो है लोगों को अपना व्यू देता हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ना है तो दिसंबर लास्ट वीक में आप संपर्क कीजिए। और यदि आप डेली सट्टा करते हैं, डेली कॉल पुट करते हैं, पूरी रात भर जो है अमेरिका मार्केट देखते हैं, SGX निफ्टी देखते हैं, रात भर आपको नींद नहीं आती, तो आप प्लीज़ मेरे साथ मत जुड़िएगा, नहीं तो आपका पैसा नुकसान हो जाए।